Hello student, welcome back to our channel. This is Jyoti Patel from Tapon Group of School. Today we are going to our new topic in this chapter, which name is India and Agriculture, Part 4. Today's our learning objectives are here. First of all, types of food crops. In this types of food crops, we are understanding some 5 types of food crops, which one given in this slide. For we are understanding one by one: rice, wheat, maize, millet and jowar. Let's start. Our part 1. What is it? Food crops. अब हम फूड क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, कि कौन से क्रॉप्स हैं कि जिनको हम फूड क्रॉप्स के अंदर गिनते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइस. स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया. आपको बता दिया जाए कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी पीपल है वो राइस का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. सेकंड है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. इंडिया की अगर बात की जाए तो चाइना के बाद सेकंड नंबर का इंडिया है कि जो सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है. खरीफ क्रॉप्स विच रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी with annual rainfall above 100 cm. खरीफ क्रॉप्स की अगर हम बात करें कि इनको हाई टेम्परेचर, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस जितना तापमान, और हाई ह्यूमिडिटी दैट मीन्स ज़्यादा मात्रा में नमी, और साथ ही साथ एनुअल रेनफॉल की जो तकरीबन 100 cm होता हो, उतनी इस खरीफ क्रॉप को रिक्वायरमेंट चाहिए होता है फॉर प्रोड्यूसिंग और इनके ग्रोथ के लिए. ग्रोन इन द प्लांट्स ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कोस्टल एरिया एंड द डेल्टिक रीजन. अभी कहाँ पे ग्रो होता है, तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में होता है, एंड कोस्टल एरिया एंड डेल्टिक रीजन जहाँ पे होता है, जहाँ पे डेल्टा रीजन होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, राइस को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. जहाँ पे ज़्यादा पानी मिल जाए वैसे एरिया में राइस होता है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए. द डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरीगेशन. जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, क्या? डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरीगेशन, जहाँ पे हमको कैनल इरिगेशन की मात्रा, दैट मीन्स उसकी नेटवर्किंग ज़्यादा दिखाई दे, और इरिगेशन की फैसिलिटी आपको जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिले उन एरिया की बात करें, और ट्यूबवेल की सुविधा अगर आपको मिलती हो, हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल सच एज अ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान. अगर जहाँ पे रेनफॉल, दैट मीन्स बारिश कम हो रही हो, 100 cm से कम होती हो सालाना, अगर वहाँ पे पानी की, दैट मीन्स इरिगेशन फैसिलिटीज अगर अच्छे पैगाने पे अगर मिल रही है, तो वहाँ पे आप राइस प्रोड्यूस कर सकते हो. अब यहाँ पे जैसे दिया है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और सम पार्ट ऑफ द राजस्थान, के जहाँ पे बारिश की मात्रा 100 cm से थोड़ी बहुत कम है, बट यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड हो जा रही है. अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कुछ मैप के अंदर, कि आप यहाँ पे देख सकते हो. मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आप यहाँ पे दो कॉलम देख सकते हो. एक लिखा है मेजर एरिया एंड माइनर एरिया. अब मेजर एरिया यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा है, या जो लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये जो इतना एरिया आपको जो ग्रीन ग्रीन टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइज होता है. दैट मीन्स हमारे जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे, और जो पेंसुलर एरिया के पास में आया हुआ ये है, यहाँ से ऊपर साइड, दैट मीन्स जो बिहार है, उत्तर प्रदेश का सम पार्ट है, केरला है, कर्नाटका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा
हमारा जो राइस प्रोड्यूस होता है, और जो माइनर एरिया है, जो वाइट जो एरिया आपको दिख रहा है, वो हमारे यहाँ माइनर एरिया में गिना जाएगा जहाँ पे कम राइस प्रोड्यूस होता है। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है वीट, दैट मीन्स गेहूँ की बात हो रही है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल क्रॉप्स के अनाजों के अंदर सबसे सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिना जाता है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी होता है। राइस के बाद गेहूँ भी सबसे ज़्यादा इंडिया में कंज्यूम होने वाली एक क्रॉप है। मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और सबसे ज़्यादा ये मेन फूड क्रॉप कहाँ पे गिनी जाती है? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, हमारे देश के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये बहुत ज़्यादा मेन फूड क्रॉप गिनी जाती है। रिक्वायर्ड कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द रैपिंग टाइम। अगर मैं इसकी बात करूँ कि जो ठंडा बढ़ता जो मौसम है उसके अंदर ये जो इसकी पकने की जो समय होता है उस टाइम पे जो तेज धूप होती है उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे। ये जो सनशाइन का जो टाइमिंग होता है, जो पक्के तेज धूप वाली जो टाइमिंग होती है उस टाइम पे इसका जो पकने का टाइमिंग होता है, जो रैपिंग टाइमिंग है, जो पकने का टाइम है, वो सबसे बेस्ट होता है। इसके लिए ये रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे इसको अच्छी खासी धूप और ठंडी बढ़ते मौसम अगर इसको मिल जाए ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। रिक्वायर्ड 50 to 75 centimeter ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ग्रोइंग सीजन। अगर हम बात करें वीट की तो इसको रिक्वायर्ड अराउंडली 50 to 75 centimeter जितना रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है, इतनी जितनी बारिश जहाँ पे हो जाए वैसे इलाके इसके लिए इनफ होते हैं, ये वहाँ पे आप अच्छे से इसको ग्रो कर सकते हो। बट अगर बढ़ते मौसम पर अगर इसका वितरण किया जाए, दैट मीन्स ओवर द ग्रोइंग द सीज़न, दैट मीन्स इसको बढ़ते जो मौसम है उस टाइम पे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी इसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। सीज़न वाइज मौसम के हिसाब से इसका जो वितरण होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी ये क्या होता है, अच्छे से रिक्वायर्ड हो जाता है, चल जाता है। इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन, अब जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो वीट है वो ग्रो होता है वैसे इलाकों की अगर बात की जाए तो गंगा एंड सतलुज प्लान है, उनके आसपास की एरिया की बात हो रही है। यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ द प्लान, एक प्लेन और समतल इलाका जो कुछ नदियों के आसपास की एक इलाके होती है जो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और फर्टाइल होती है, कि जहाँ पे आप अच्छे से कोई भी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो। ब्लैक सोइल रीजन इन द डिसेंट, जहाँ पे ब्लैक सोइल है, ब्लैक सोइल अब डिसेंट दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि जो उत्तल जैसे पैगाने पे जो थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ जैसे इलाके होते हैं ब्लैक सोइल की, उस जगह पे भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और सम पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश। अब सबसे ज़्यादा जो गेहूँ प्रोड्यूस होता है वो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान की बात हो रही है और सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश है, कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजोरिटी अमाउंट के अंदर वीट का प्रोड्यूसिंग होता है। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप होता है, किस तरह से उनका कल्टीवेशन होता है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी टूल्स का यूज़ होता है, बड़े बैगानों पे इनका प्रोड्यूसिंग होता है, साथ साथ में इनका कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से और कौन से एरिया के अंदर वीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर एरिया, दैट मीन्स थोड़ा पिंक जो आपको दिख रहा है वो पिंक वाला एरिया मेजर एरिया है, कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ दैट मीन्स वीट प्रोड्यूस होता है, और जो लाइट पिंक दिख रहा है दैट मीन्स माइनर एरिया के जहाँ पे कम वीट प्रोड्यूस होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मध्य प्रदेश से लेके पंजाब तक के सारा इलाके और थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ बिहार का भी ले लिया है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है हरियाणा, ये सारे जगहें जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजोरिटी अमाउंट पे ये वीट प्रोड्यूस होता है। और लाइटली लाइटली आपको यहाँ पे दिखाया, जैसे बिहार की बात हो रही है, सम अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात के अंदर के कुछ बताया है हिस्सों के बारे में, कि जहाँ पे कुछ दैट मीन्स माइनॉरिटी अमाउंट पे वो वीट प्रोड्यूस करता है। ये था वीट के बारे में। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मेज।
अब मक्का की बात होगी, अब मक्के की बात होगी तो सबसे ज्यादा आप एक डायलॉग याद रखोगे कि मक्के दी रोटी द सरसों द साग, बहुत फेमस डायलॉग है। अब मेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, यूज एज अ बोथ फूड एंड द फूडर, फूडर दैट मीन्स चारा की तरह यूज होने वाली चीज़। और मेज एक ऐसा एक क्रॉप है कि जिसका बहुत दैट मीन्स दो तरीके से इसका यूज़ होता है, पहला फूड की तरह से यूज़ होता है, सेकंड चारे के तौर पे भी इसको खिलाया जाता है, एज अ पशुओं का आहार के रूप में इसका यूज़ भी किया जाता है। करीब क्रॉप्स विच रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। ये खरीफ क्रॉप दैट मीन्स आपको पता ही है कि जो हमारे मेज है वो खरीफ क्रॉप के अंदर गिना जाता है। इस टाइम पे तकरीबन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड ग्रो वेल इन एरुविल सॉइल, एरुविल सॉइल सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है। इस मेज को ग्रो करने के लिए आपको एरुविल सॉइल की सबसे ज़्यादा बेहतर और सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉइल गिनी जाएगी मेज के लिए। इन से स्टेट्स लाइक बिहार इट इज़ ग्रो एज अ रबी क्रॉप ऑल्सो। और आपको बता दूं कि मेज एक्चुअली खरीफ क्रॉप है, बट बिहार के अंदर ये रबी क्रॉप की तौर में भी, दैट मीन्स विंटर क्रॉप के तौर में भी इसका ग्रो, दैट मीन्स प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूसिंग होता है वहाँ पे। यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइजर एंड इरीगेशंस हैव अ कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मैच। अब नाउ करेंटली एज अ मॉडर्न टाइम, मॉडर्न एरा, लोग सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स का यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं, और इरीगेशंस की जो सिस्टम्स है वो न्यू टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर मेज। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अगर सबसे ज़्यादा जो मेज प्रोड्यूस हो रहा है वैसे स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वो कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं मिलेट्स। जनरली मिलेट्स को बाजरा बोलते हैं। अब ये बाजरे को अलग ही एक नाम दिया है, बट इसका हिंदी मिलियंस का मतलब होता है बाजरा। अब आपको बता दूं कि जो जुवार, बाजरा और जो रागी है ये मिलियंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रोइंग क्रॉप्स है। जुवार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलियंस ग्रो इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ये जुवार, बाजरा और रागी सबसे ज़्यादा होती है। थ्रोट दिस आर नोन एज अ कौशी ग्रेन, कौशी ग्रेन्स मतलब मोटा जो ग्रेन है, दैट मीन्स मोटे दाने वाला आप इनको बोल सकते हो। ये सबसे ज़्यादा मोटे दानों की तरह यूज़ होता है। दे हैव हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, इनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। और रागी इज़ अ रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिशंस। एंड रागीस दैट मीन्स चारा। और एक आपको बता दूं कि जो रागी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो जो न्यूट्रिशंस है वो पाए जाते हैं, और साथ साथ में इसको चारे की तरह भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड सेलो सॉइल। अब ये इसको मिलियंस को ग्रो करने के लिए आपको कोई भी ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए कि जहाँ पे नमी हो, या फिर मॉइस्चर मतलब ज़्यादा ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए। इसको तकरीबन आपको ड्राई रीजन जो होती हैं वहाँ पे इसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये प्रोड्यूस होता है जैसे कि अब रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, सैंडी सॉइल है, लूमी सॉइल है, सेलो सॉइल है। सेलो सॉइल दैट मीन जो उथली मिट्टी होती है, जो थोड़ी बहुत उसके बारे में बात की है। ऐसे जो नॉर्मल सॉइल्स होती हैं, जो 4 से 5 सॉइल के बारे में बात की, वैसे सॉइल पे आप मिलियंस को ग्रो कर सकते हो। कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय तमिलनाडु। कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा एज अ जो मिलियंस है वो ग्रो होता है एज़ कम्पेयर टू फॉलो बाय तमिलनाडु। एंड हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश हुआ,
फिर तमिलनाडु हुआ, फिर उत्तराखंड है, सिक्किम है, झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा रागी प्रोड्यूस होता है। ये भी ऐसे स्टेट्स हैं कि जहाँ पे रागी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड द प्रोडक्शन। अब जो ज्वार है वो सबसे थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड है। अब आपने पहला आपने राइस देखा था, दूसरा वीट देखा था, अब थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है? तो वो है ज्वार, कि जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है हमारे इंडिया के अंदर। अगर बात की जाए तो इसका प्रोडक्शन हाई लेवल में होता है। इट इज़ रेन फिट क्रॉप ग्रो इन द मोस्ट एरिया, और ये रेन फिट दैट मीन्स ये मौसम के ऊपर, दैट मीन्स वर्षा के ऊपर आधारित एक क्रॉप है, जिसको गिना जाता है कि ये मौसम जो वर्ष है, जो वर्षा है, जो बारिश है, या तो फिर जो टाइम सीजन्स है उसके अकॉर्डिंगली ये ग्रो होता है। महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जुआर, फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जुआर का होता है एज़ कम्पेयर टू कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा। अगर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो उनसे ज़्यादा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ये जुवार का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रागी किस तरह से दिखती है, या अब जुवार है, जो बाजरा है, ये तीनों के पिक्चर्स मैंने इस स्लाइड के अंदर दिखाए हैं, आप देख सकते हो। या तो आपने कहीं अपने खेतों के अंदर या तो कहीं शॉप पे आपने इनको देखा ही होगा। और हम अपने अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और वो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो चलो देखते हैं, विच वन इज़ जुआर, दैट मीन्स सरगम। मोस्ट ऑफ अपने अपने फार्म के अंदर, दैट मीन्स अपने आसपास के जो गांव हैं, उन गांवों के अंदर आपने इनको देखा ही होगा, या तो अपने शॉप पे इनको देखा होगा कि किस तरह से दिखते हैं जुआर। जुआर की हम कुछ डिटेल में बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है। चलो देखते हैं क्या है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो सरगम इज़ द ग्रोन इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेक्ट कुल नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप। और हमारे जो सरगम की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे ये ग्रो होता है, स्पेशली जो एस्पेक्ट कुल नॉर्थ ईस्ट पार्ट है यूरोप का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका ग्रोइंग होता है इन द वर्ल्ड। अगर पूरे देश की बात करें, पूरे देश के अंदर, तो इन अफ्रीका इज द मेजर कॉन्टिनेंट कल्टिवेट द सरगम, एंड एशियन कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑल्सो कल्टिवेट सरगम। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो अफ्रीका के अंदर मेजर जो कॉन्टिनेंट्स हैं कि वहाँ पे सरगम की प्रोडक्शन होता है, कल्टिवेशन होता है। और साथ ही साथ अगर एशिया की बात करें, इन एशियन कॉन्टिनेंट्स के अंदर, तो वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के अंदर भी सरगम का कल्टीवेशन होता है। अब चलिए बात करते हैं इन इंडिया की। इन इंडिया मेनली ऑन सेंट्रल एंड पेंसुलर इंडिया सच लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एंड गुजरात आर द इम्पॉर्टेंट स्टेट कल्टिवेटिंग सरगम। अब ये सरगम की अगर बात करें, जुवार की बात करें, तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सेंट्रल एंड पेंसुलर इंडिया है, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जुवार का कल्टीवेशन होता है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, इसका ये पॉइंट इस वीडियो के अंदर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ न्यू इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।